आज हमारे यूथ हर फील्ड में अपने आप को प्रूफ करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी यूथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पुरस्कार ला चुके हैं। राजधानी रायपुर में भी एक युवा इंटरनेशनल लेवल पर छत्तीसगढ़ का परचम लहराने तैयार है, जिसका नाम है बॉबी माखीजा। अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से बॉबी अब तक कई मेडल्स और प्राइजेस अपने नाम कर चुके हैं। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के अलावा बॉबी मॉडलिंग और एक्टिंग में भी अपना टैलेंट शोकेस करते हैं। इस साल इंडोनेशिया में होने वाले स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में जाने की तैयारियों को लेकर हमने उनसे की एक खास मुलाकात, जिसमें उन्होंने अपनी बिगिनिंग की जर्नी से शुरू करते हुए इस फील्ड में किए गए उनके हार्ड वर्क के बारे में बताया। हेलो फ्रेंड, दिस इज अमित शर्मा फ्रॉम क्लिपर 28। सारे टैलेंटेड पर्सन्स को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिनकी उन्हें तलाश होती है। आज ऐसे ही सुपर टैलेंटेड स्पोर्ट्समैन, मॉडल, एक्टर बॉबी माखीजा क्लिपर 28 में आप सभी से जुड़ेंगे। तो बॉबी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम है क्लिपर 28 पे। मैं हमारे सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बॉबी ना सिर्फ एक मॉडल हैं, एक्टर हैं, बल्कि एक ऐसी कैटेगरी में अपने आप को ये बूस्टअप कर रहे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैटेगरी मानी जाती है। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स, काफ़ी सारे प्राइजेस अपने नाम किए हैं और स्टेट नेशनल के अलावा अब ये इंटरनेशनल में भी जाने वाले हैं। तो इंडोनेशिया में जो एक वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप होने वाली है अप्रैल में, वहाँ पर बॉबी अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो बॉबी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो स्टार्टिंग थी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप जिसे हम कहते हैं, वो कैसे हुआ और कैसे इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट आया फिर? एक्चुअली ऐसा है कि वर्कआउट तो मैं करते रहता था नॉर्मल, 2-3 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, फिर मैं कांकेर शिफ्ट हुआ था कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे प्लेयर्स थे, तो उन्होंने मेरा वर्कआउट देखा, वहाँ के उस्ताद ने मेरा वर्कआउट देखा, तो बोले कि एक बार तू ट्राई करके देख। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम दुर्ग मैंने ट्राई किया, तो पहली बार जाते ही मेरे को गोल्ड लग गया, मैंने गोल्ड मेडल जीत के आ गया वहाँ से फर्स्ट रैंक पे। तो उसके बाद से जो शौक चढ़ा वेट लिफ्टिंग का, तो मैं सोचा कि अब इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें आपकी एजुकेशन की, तो आप मतलब काफ़ी टाइम से इसी पे हैं कि आपने पहले पूरी पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद आपने स्विच किया? नहीं, एक्चुअली मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने लैब टेक्नोलॉजिस्ट का भी कोर्स किया है। अच्छा। मैं जॉब के सिलसिले में गया हुआ था कांकेर, तो जॉब के साथ साथ मेरे को अब वेट लिफ्टिंग का भी पता चल गया, तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई मेरे लिए कि मैं कांकेर जाके शिफ्ट हुआ और अब वेट लिफ्टिंग में ऊपर वाले करम से और आप सबकी दुआओं से आगे बढ़ते जा रहा हूँ। वेट लिफ्टिंग के अलावा आप साइड बाय साइड मॉडलिंग और एक्टिंग में भी बहुत एक्टिव हैं? हाँ जी, मॉडलिंग सबसे पहले मैंने जब भिलाई में था, स्टडी कर रहा था, तो मैंने मॉडलिंग अपने फ्रेंड्स के साथ देखने जाता था। फिर वहाँ के ऑर्गेनाइज़र ने कहा कि एक बार उतर के देख, बॉडी अच्छी है तुम्हारी, तो मैंने मॉडलिंग ट्राई किया था। उसके बाद फिर कुछ मॉडलिंग के इवेंट भी करवाए, देन फिर वहाँ से डायरेक्टर सर ने देखा, फिर अभी मेरे एक छत्तीसगढ़ी मूवी भी आने वाली है, तो चल रहा है इसमें भी साइड बाय साइड। तो फाइनली अगर हम बात करें, तो आप मॉडलिंग, एक्टिंग या फिर वेट लिफ्टिंग, इसमें से किसे अपना करियर आगे देखते हैं फ्यूचर के लिए? वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग करता हूँ मैं, तो उसके साथ साथ एक्टिंग भी, एक्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों को मैं लेके चलना चाहता हूँ। तो बॉबी, अभी आप कितनी कैटेगरी में, मतलब कौन से वेट की कैटेगरी में आप वेट लिफ्टिंग करते हैं? मैंने 105 प्लस कैटेगरी में भी वेट लिफ्टिंग की है और अभी मैं 95 प्लस कैटेगरी में स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग करता हूँ। जो भी एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसकी जो सबसे पावरफुल अगर हम टूल कहें तो उसकी बॉडी होती है, और माशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, तो इसे मेंटेन करने के लिए कैसा आपका पूरा एक रूटीन होता है दिन का? मेरा रूटीन ऐसा है कि मॉर्निंग 7:30 to 9:30 मैं वर्कआउट करता हूँ, रनिंग करता हूँ, कार्डियो रहता है, देन इवनिंग 5:30 to 9 मेरा सिर्फ हार्डकोर सेशन रहता है, मैं अपने मसल बिल्डअप करता हूँ या स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करता हूँ, तो 2 टाइम वर्कआउट होता है। और डाइट में आप कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करते हैं? डाइट ऐसा है कि वो सेशन के ऊपर डिपेंड, मेरे को जैसे कि अब वेट कम करना है तो मैं अपनी खुद डाइट बना लेता हूँ। जैसे अभी मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन होने वाला है, तो मैंने अपना वेट पुट ऑन किया है, तो मॉम है मेरी, वो बहुत अच्छी डाइटिशियन है, तो बहुत अच्छा वो डाइट खुद मेरे को बना के दे देती है, उससे मेरा काम हो जाता है, डाइट की ज़रूरत नहीं होती। तो मम्मी का, पापा का, ओवरऑल पूरी फैमिली का सपोर्ट है इस स्पोर्ट्स में आपको जाने के लिए? हाँ, मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया, कि कुछ प्रेशर नहीं दिया कभी कि आप ये काम करो या इसमें जाओ, वो बोल रहे कि आप वक्त है अभी सेटल हो जाओ, जिसमें आपका मन है उसमें आगे बढ़ो, तो मेरे को घर से अच्छा सपोर्ट मिलता है।
तो जैसे कि हर फील्ड का अपना एक प्रोफेशन होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्रोफेशन की तरह है अगर आप इसमें जा रहे हैं। और किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको सामने वाले कंपटीटर्स को बीट करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर ट्रेनिंग की। तो आप यहाँ किन से ट्रेनिंग लेते हैं या फिर आप सेल्फ ट्रेन करते हैं खुद को? ट्रेन मैं अपने आप को सेल्फ करता हूँ, क्योंकि शुरू से ही मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो इतना नॉलेज हो गया कि किस चीज़ से क्या ट्रेन होगा, तो ट्रेनिंग मैं सेल्फ लेता हूँ। बट ये कहना चाहूँगा कि मेरे कोच हैं जो मेरे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, सप्लीमेंट्स और जो भी जो मेरे को ना नहीं पता होता है वो चीज़ जो बताते हैं, वो है यहाँ पे रायपुर में भूपेश शतपथी, तो वो मेरे को बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। अच्छा, और फेडरेशन की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है आपको स्पोर्ट्स में? हाँ, फेडरेशन अब एक्चुअली इतने सारे मेडल जीतने के बाद मैं थोड़ा सा वहाँ पे प्यार अच्छा मिलता है फेडरेशन से, और सपोर्ट जितना मेरे को चाहिए उतना सपोर्ट तो वहाँ से मिल जाता है मेरे को, सपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फील्ड में बॉबी आप अभी कितने साल से एक्टिव हैं? 3 साल हो गए मेरे को स्ट्रेंथ लिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और इन 3 सालों में कितने सारे प्राइजेस अपने अपने नाम किए हैं? मैंने 14 प्लस मैंने मेरे पास आए हैं मेडल्स और सर्टिफिकेट्स, जैसे कुछ सेकंड भी हुए हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ही रहा हूँ मैं हमेशा। आगे जो ये कंपटीशन होने वाला है उसको लेके किस तरह की प्रिपरेशन आप अभी से कर रहे हैं अपने लिए? हार्ड वर्कआउट, डाइट, जितने अच्छे से लोगे उतनी अच्छी वर्कआउट कर पाओगे, बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। और इंटरनेशनल में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को इतने अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहा हूँ कि वहाँ जाने के बाद ऐसा ना हो कि मैं ये सोच के नहीं जा रहा हूँ कि मैं ये वहाँ ये जाके बोलूँगा अपने आप से कि इस बार नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ये ऐसा मेरे ख्याल बिल्कुल नहीं आता है। मैं जाऊंगा तो कुछ ना कुछ वहाँ से लेके आऊँगा, ये मैं पहले से प्रिपेयर होकर जाता हूँ। और क्या क्या क्राइटेरियाज, क्या क्या नॉर्म्स होते हैं इस तरह के कंपटीशन में जब आप उतरते हैं तब? स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले तो बॉडी वेट होते हैं, उसके बाद उसके रिकॉर्डिंग एक टीम बनती है, ग्रुप बनता है, बॉडी वेट का ग्रुप बनता है, तो उसमें आप फाइट करते हैं। फर्स्ट आपका होता है 2 हैंड कर्लिंग जो बाइसेप स्ट्रेंथ के लिए होता है, हैंड कर्लिंग के लिए, और सेकंड होता है हैक लिफ्ट, और थर्ड होता है इसमें इंक्लाइन बेंच प्रेस। ये तीनों की काउंटिंग होके वेट होता है, जिसका ज़्यादा वेट हुआ वो ऑब्वियसली विनर। ठीक है, तो फ्यूचर को लेके आपके जो प्लान्स हैं एक बार आप व्यूअर्स को बताएंगे? फ्यूचर का प्लान ऐसा है कि मैं पहले तो इंटरनेशनल जीतना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे को पुलिस विभाग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं PSC फाइट करूँगा या फिर गवर्नमेंट से स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मेरे को जाना पुलिस विभाग में ही है। मैं एक अच्छे पद पे अपने आप को देखना चाहता हूँ, मतलब पुलिस विभाग से ही मेरा शुरू से ये शौक रहा है कि मैं उसमें भर्ती हूँ। अच्छा, चलिए, तो पुलिस के तौर पर आप एक जनसेवा के काम में लगेंगे आगे चल के? हाँ जी, ज़रूर। ठीक है, चलिए, तो स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग में आप जा रहे हैं तो हम यही प्रे करेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ से गोल्ड मेडल आप लाए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, बिकॉज इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट। तो ये थे हमारे साथ बॉबी माखीजा, जिन्होंने अपनी पूरी जर्नी हमसे शेयर की, और इंडोनेशिया में जो स्ट्रेंथ वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें ये छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लिपर 28 के लिए कैमरामैन हुरीलाल जायसवाल के साथ अमित शर्मा, रायपुर। फॉर मोर न्यूज़ अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर क्लिपर 28।